String operation, how to copying contents of one string to another string. For example, अगर आपके पास two strings available like a string s1 and string s2. s1 के केस में, इस केस में assume कर रहा हूँ size of s1 is 10. And s1 के केस में existing contents are something a, b, c. According to given declaration, care string s1 with size 10 equals to contents as abc. Same as एक और string create करें, इस केस में as a string s2. s2 के केस में size provide किया something 10, 20, any size. Then s2 के केस में भी contents assign किया as a something message as hello. इस हेलो में से करंटली अवेलेबल किस स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग s2. स्ट्रिंग s2 के कंटेंट्स जस्ट मुझे कॉपी किस में कराना है, इनसाइड स्ट्रिंग s1. देन s1 में s2 के लिए डायग्राम के किस में बात करें, s2 का साइज कितना है लोकेट, एग्जैक्टली 6 बाइट्स, क्योंकि लास्ट बाइट और स्ट्रिंग इस केस में टर्मिनेट किससे हुआ, यूजिंग नल कैरेक्टर. फर्स्ट केस में s2 केस में फर्स्ट कैरेक्टर असाइन हो रहा है कैरेक्टर h, character e, character l, character l and character o. then finally null character. इस केस में कोई भी एड्रेस खुद से assume कर जाए 100 101 102 103 and so on. then abc केस में remaining characters के आसान में default value as null. according to partial initializations, just a simple operation is string copy operation. How to copying contents of one string to another string. Second string के केस में address assume करना है 200 201 202 203 204 205, like that. अगर एक string के contents आपको दूसरे string में copy कराना है, इसके लिए आपके पास already library function available है C language में, strcpy. just function name क्या, इस केस में strcpy string copy functions. just इसको call करने का वे क्या रहेगा, इसके अगर आपको s2 के contents s1 में copy करना है, जिस means जैसे string में आप contents को copy कराना चाहते हो, उस string को supply करोगे as a first argument. इस केस में contents आसान किस में होंगे, string s1, s1 is a source string. then copy किस string के कराना है, s2 के, then s2 pass करोगे as a second argument. इस केस में जैसे इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ अकॉर्डिंग टू कॉपी ऑपरेशन, कॉपी ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग s2 के जीरो इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में जाएगा, s1 के जीरो इंडेक्स में. सेम एज s2 के वन इंडेक्स में अवेलेबल एलिमेंट कॉपी हुआ इनसाइड सेम इंडेक्स ऑफ सोर्स स्ट्रिंग. सेम एज सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में जाएगा, सेम इंडेक्स ऑफ s1. सेम एज थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी होगा 103, मींस थर्ड इंडेक्स. फोर्थ इंडेक्स के एलिमेंट को कॉपी करेंगे फोर्थ इंडेक्स में. सेम एज फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी होगा इन द इनसाइड फिफ्थ इंडेक्स, क्लियर, लाइक दैट. इस टाइप से मीन्स सेम इंडेक्स का कॉपी करस्पॉन्डिंग सेम प्लेस पर कॉपी कराएंगे. फर्स्ट वन, सबसे पहले ए के किस बात करें, एच किस प्लेस पर कॉपी होगा, जीरो इंडेक्स में. नाउ ए इज रिप्लेस्ड बाई कैरेक्टर एच. सिमिलरली बी इज रिप्लेस्ड बाई करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ई. इस बी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, जस्ट ई. सिमिलरली थर्ड, सेकंड इंडेक्स में फाउंड कर रहा एल, एल किस इंडेक्स में कॉपी होगा, सेम इंडेक्स. सेम अगेन क्या फाउंड हो रहा एल, अगेन एल कॉपी होगा ऑन द सेम पोजिशन. ओ कॉपी होगा ऑन द सेम पोजिशन, मीन्स एस टू के अंदर ओ का इंडेक्स क्या फोर्थ, देन एस वन के अंदर भी ओ किस इंडेक्स में कॉपी हो रहा है, एग्जैक्टली सेम इंडेक्स. नेक्स्ट वन, इसके इसमें इंक्लूडिंग नल, नल भी कॉपी होगा, स्पेशली याद रखना, मीन्स ऑलरेडी स्पेस पर क्या नल, देन अगेन नल के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, ऑल्सो नल. रिमेनिंग प्लेस कैसे रहेंगे, अनचेंज्ड. फाइनली s2 के अंदर कंटेंट्स क्या है, हेलो, और s1 के अंदर भी कंटेंट्स क्या है, ऑल्सो हेलो. इस केस में मैंडेटरी कंडीशन क्या है, मीन्स अगर आप s2 स्ट्रिंग के कंटेंट्स s1 में कॉपी करना चाहते हो, देन s1 का साइज कैसा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइज ऑफ टारगेट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग s2. सपोज दैट स्ट्रिंग s2 के अंदर 5 कंटेंट्स हैं और s3 s1 का साइज प्रोवाइड किया ओनली 3, देन इस केस में कंप्लीटली कॉपी करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. देन इस केस में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जनरेट होने के चांसेस होंगे, मींस रिमेनिंग कैरेक्टर असाइन करो जस्ट अनरिजर्व्ड प्लेस, क्लियर. देन इस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जस्ट क्रिएट क्या करना, सम यूजर डिफाइंड फंक्शंस, काफी इजी ऑपरेशन है इस केस में.
सबसे पहले परफॉर्म क्या करें, मीन्स इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ, सेम स्ट्रिंग का डमी, जैसे स्ट्रिंग में आप कंटेंट्स कॉपी करा सेम स्ट्रिंग रिटर्न हुआ, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ कैर स्टार। जस्ट इसका इक्विवेलेंट फंक्शन क्रिएट करो। नेक्स्ट वन फंक्शन नेम इज जस्ट सिंपली कॉपी, आप कोई भी नेम प्रोवाइड कर सकते हो। देन इसके अंदर टोटल टू स्ट्रिंग पास हो रहे हैं, इसका मतलब पॉइंटर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, टू पॉइंटर्स लाइक कैर स्टार एस वन कॉमा कैर स्टार एस टू, क्लियर। नेक्स्ट वन, इस केस में ऑपरेशन सेम इंडेक्स के रिस्पेक्ट में परफॉर्म हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स, मीन्स जिस इंडेक्स से आप डेटा रीड कर रहे हैं सेम इंडेक्स में असाइन करना, तो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए टोटल इटरेटिव वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, ओनली वन इटरेटिव वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, क्योंकि इंडेक्स किस फॉर्म में मैनेज होगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट वन, इस केस में अगेन मैं यूज करूंगा एज अ फोर लूप। फोर लूप के रिस्पेक्ट में सबसे पहले आई के केस में असाइन क्या कराएंगे, इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज जीरो, क्योंकि जस्ट एस टू स्ट्रिंग से अंदर या एस टू से डेटा किस इंडेक्स से रीड कराओगे, सबसे पहले जीरो इंडेक्स, इसलिए इनिशियल वैल्यू क्या प्रोवाइड किया मैंने इस केस में, ऑल्सो जीरो। नेक्स्ट वन, प्लस डेटा कब तक कॉपी कराएंगे, मीन्स जब तक एस वन में नल कॉपी नहीं हो जाता, मीन्स एवरी टाइम इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ एस वन ऑफ आई, फर्स्ट टाइम एस वन में इसके अकॉर्डिंग कॉपी क्या हो रहा है एच, तो रिप्लेस क्या हुआ एच, एच इज ए नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो देन इस केस में कंडीशन क्या रहेगा ट्रू, नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या हुआ ई, तो ई के केस में भी क्या मिलेगा ऑल्सो नॉन जीरो नंबर, नेक्स्ट टाइम कॉपी होगा एल, एल के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा नॉन जीरो, नेक्स्ट टाइम अगेन एल देन ओ, देन जैसे इस केस में नल कॉपी होगा देन एस वन का सॉरी एस वन ऑफ आई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा ऑल्सो नल, नल मीन्स जीरो, इस केस में कंडीशन कैसा हो जाएगा फॉल्स, जस्ट एस वन रिप्लेस कराओ, लेकिन एस वन में एस वन ऑफ आई में एवरी टाइम आपको असाइन क्या करना है वैल्यू फ्रॉम सोर्स स्ट्रिंग टारगेट स्ट्रिंग एस टू ऑफ आई, एस टू के अंदर भी सेम इंडेक्स से डेटा कॉपी कराएंगे, दिस इज द कंडीशन। इस केस में इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कंटेंट से कॉपी भी हो रहा है, कॉपी होने के साथ साथ कंडीशन भी टेस्टिंग प्रोवाइड हो रहा है, मीन पहले एस टू ऑफ आई का वैल्यू एस वन ऑफ आई में कॉपी होगा, देन इस कंडीशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो रहा है करंट वैल्यू ऑफ एस वन ऑफ आई, तो एस वन ऑफ आई के केस में रिप्लेस क्या हो आइदर जीरो और नॉन जीरो, अगर इस प्लेस पर एस वन ऑफ आई का वैल्यू जीरो रिप्लेस हो रहा था, इसका मतलब क्या स्ट्रिंग ऑलरेडी इस कंप्लीटली कॉपी हो चुका है, देन एस वन ऑफ आई जीरो मीन्स नल, नल मीन्स कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, देन एवरी टाइम इंक्रीमेंट कितने से कराएंगे वन से, देन आई प्लस प्लस, अगेन इस केस में जस्ट यूज क्या करेंगे डमी लूप, मीन्स आपको बॉडी पार्ट प्रोवाइड करनी नहीं है, जस्ट टर्मिनेट किससे करेंगे इसको सेमी कॉलन से, फाइनली जैसे ही डेटा कंप्लीटली कॉपी हो जाएगा रिटर्न क्या कराएंगे इस प्लेस से, रिटर्न टाइप यूज किया कैर स्टार, मीन्स अगेन इसे रिटर्न क्या कराओ एड्रेस ऑफ सोर्स स्ट्रिंग, मीन्स जिस स्ट्रिंग में कंटेंट्स कॉपी हुए सेम स्ट्रिंग का एड्रेस रिटर्न कराएंगे, दिस इज द लॉजिक्स रिगार्डिंग स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन। टेस्ट करते हैं सेम लॉजिक्स यूजिंग प्रोग्राम विद डायग्राम्स, जस्ट सिंपली वॉइड मैन, याद रखना लॉजिक्स सभी सिचुएशन में वर्क करेंगे एग्जैक्टली सेम एज एस टी आर सी पी वाई, आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस में एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, जस्ट स्मॉल स्ट्रिंग यूज करा जाए स्ट्रिंग ए, ए के केस में मैंने साइज प्रोवाइड किया जाए फाइव, ए ऑफ फाइव, प्लस ए में मैंने ऑलरेडी कोई डेटा असाइन कर देता हूँ जस्ट चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, समथिंग ए बी सी डी ओनली फोर कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वन, सेकेंड स्ट्रिंग क्या आपके पास है इस केस में, जस्ट बी, बी के केस में कोई साइज प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, देन बी के केस में असाइन किया करा सम कंटेंट्स एज एक्स वाई जेड लाइक दैट। स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं कॉल करूंगा जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन एज कॉपी, प्लस कॉपी डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, इस केस में टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ इन साइड प्रिंट एफ देन परसेंट एस कॉपी, कॉपी के अंदर मैंने पास किया स्ट्रिंग एरे ए कॉमा बी, देन नेक्स्ट टाइम अगेन डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ परसेंट एस स्पेस देन कंटेंट्स ऑफ ए, स्पेशली याद रखना अगर आप इस केस में मीन सेकेंड स्ट्रिंग में कभी भी कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं हो, क्योंकि कंटेंट्स किस में कॉपी हो रहा है सेकेंड स्ट्रिंग में और फर्स्ट स्ट्रिंग में, फर्स्ट स्ट्रिंग में मीन सेकेंड स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में डेटा क्या डिस्प्ले हुआ एग्जैक्टली सेम डेटा, देन नेक्स्ट टाइम
बी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड. जैसे इस केस में मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मेन के रिस्पेक्ट में टू एरे क्रिएट होंगे ए एंड बी. ए के रिस्पेक्ट में मैंने डायरेक्टली साइज प्रोवाइड किया एग्जैक्टली 5. एरे ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स. नेक्स्ट वन सिमिलरली एरे बी, बी के केस में बात करें तो बी के केस में टोटल कंटेंट्स कितने हैं, ओनली 4, 3 प्लस एक्स्ट्रा कैरेक्टर इंसर्ट होगा या नल, तो टोटल साइज कितना क्रिएट होगा इस केस में 4 बाइट्स. एड्रेस में भी समथिंग 100, 101, 102, 103 एंड 104. इस प्लेस का एड्रेस में खुद से एज्यूम करें 200, 201, 202, 203. फर्स्ट स्ट्रिंग में ऑलरेडी आप चाहो तो कोई भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट असाइन कर सकते हो और आप अनइनिशियलाइज्ड स्ट्रिंग के अंदर भी डेटा कॉपी कराना आपके लिए पॉसिबल है. देन इस केस में इनिशियली मैंने एज्यूम करा खुद से कंटेंट्स एज ए बी सी डी देन नल. सेकेंड स्ट्रिंग में कंटेंट्स क्या है, जस्ट एक्स वाई एंड जेड देन फाइनली नल. क्लियर. इसे बी स्ट्रिंग के कंटेंट्स कॉपी किसमें कराना है, इनसाइड स्ट्रिंग ए. इस बी स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट ए के अंदर किस प्लेस पर कॉपी होगा, सेम प्लेस पर. मीन जीरो इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस इंडेक्स में होगा, जीरो इंडेक्स. वन इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस प्लेस पर होगा, वन इंडेक्स में. इंडेक्स टू का एलिमेंट कॉपी किस में होगा, टू में. इंडेक्स थ्री का एलिमेंट कॉपी किस में होगा, इंडेक्स थ्री. प्लस एक कॉपी ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराएंगे, जब तक स्ट्रिंग बी के अंदर आपको नल नहीं मिल जाता है. जैसे स्ट्रिंग बी का नल करेस्पॉन्डिंग प्लेस पर स्ट्रिंग ए के अंदर कॉपी होगा, देन इमीडिएटली कॉपी ऑपरेशन स्टॉप करेंगे. चेक करते हैं लॉजिक से इस केस में वर्क करेंगे कि नहीं. नेक्स्ट वन, जैसे कॉपी फंक्शन कॉल हुआ तो कॉपी के केस में मैं जस्ट पास क्या कर रहा हूँ, ए कॉमा बी. तो ए के प्लेस पर ए का एड्रेस पास होगा 100, बी के प्लेस पर बी का एड्रेस है 200. क्लियर. प्लस स्ट्रिंग ए के अंदर भी कंटेंट्स किस प्लेस से कॉपी होना स्टार्ट होंगे, जिस प्लेस का एड्रेस पास कर रहा है. सपोज दैट अगर मैं सी का एड्रेस पास करता हूँ 102, तो एक्स सबसे पहले किस प्लेस पर रिप्लेस होगा, सी मीन सेकंड इंडेक्स. देन वाई का कॉपी होगा डी के प्लेस पर, जेड का कॉपी होगा देन नल के प्लेस पर. देन रिमेनिंग प्लेसेस पर भी रिमेनिंग कोई साइज या स्पेस अवेलेबल नहीं, तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में सारे मीन्स अनरिजर्व्ड प्लेस पर. जस्ट वैलिड केस टेस्ट करा उस केस में, जबकि आपके लिए सारे केस टेस्ट करना पसंद है सेम मैनर ऑफ strcpy. इस केस में जैसे ही कॉपी फंक्शन कॉल हुआ तो कॉपी फंक्शन के अंदर टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, s1 s2 एंड i. इस केस में s1 और s2 क्या है, पॉइंटर्स, जबकि i क्या है, इटरेटिव वेरिएबल. s1 एंड s2 एंड वन मोर वेरिएबल इज i. s1 के केस में क्या आसान हो रहा है, 100. s2 के केस में क्या आसान हो रहा है, 200. तो s1 किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, 100 लोकेशन. सेम s2 किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 200 लोकेशन. इस लोकेशन का नेम क्या आसान हो जाएगा, नेम आसान होगा इसके लिए. इसे s1 के रिस्पेक्ट में S1 ऑफ 0 किस प्लेस को असाइन करोगे, जिस प्लेस का एड्रेस है. तो S1 के पास एड्रेस किसका है, 100 का. तो 100 लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा, S1 ऑफ 0. सपोज दैट अगर आप 100 के प्लेस पर 102 पास कर दे, देन इस केस में S1 ऑफ 0 किस लोकेशन का नेम होता, 102. ऑलरेडी इस टाइप के केस में आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. देन S1 ऑफ 1, S1 ऑफ 2, S1 ऑफ 3, देन S1 ऑफ 4. सिमिलरली इस केस में बात करें करंटली इन प्लेसेस के नेम के, मीन्स सेकेंड स्ट्रिंग का एड्रेस किस में पास किया, पॉइंटर वेरिएबल s2. तो इस केस में s2 में क्या है, 200. तो 200 लोकेशन को नेम असाइन करोगे s2 ऑफ 0, s2 ऑफ 1, s2 ऑफ 2 एंड फाइनली s2 ऑफ 3. क्लियर. क्रिएट हो रहा वेरिएबल आई लूप के केस में परफॉर्म किया हुआ इनिशियलाइजेशन, देन आई का इनिशियल वैल्यू साइन हो जाएगा एज अ 0. नेक्स्ट वन s1 मीन्स फर्स्ट टाइम आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, आई का वैल्यू. आई का वैल्यू करंटली क्या है, 0. तो s1 ऑफ 0 में कॉपी क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ s2 ऑफ आई, और आई का वैल्यू अगेन रिप्लेस करेंगे 0. तो s2 ऑफ 0 इंडेक्स में जो भी एलिमेंट अवेलेबल है, एलिमेंट क्या है, कैरेक्टर एक्स, देन ये एक्स कॉपी किस प्लेस पर हो जाएगा, s1 ऑफ 0 इंडेक्स. नाउ ए इज रिप्लेस्ड बाई एक्स. क्लियर. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद कॉपी क्या हुआ, एक्स. कॉपी होने के बाद इस कंडीशन के प्लेस पर फाइनली रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ s1 ऑफ 0, और s1 ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, एक्स. एक्स के केस में अगर आस्की वैल्यू की बात करें तो एक्स का आस्की वैल्यू क्या है, 88.
मीन्स कंडीशन के प्लेस पर फाइनली रिप्लेस क्या हुआ, एस वन ऑफ जीरो का वैल्यू 88, 88 मीन्स जीरो और नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स कंडीशन इज ट्रू, 88 के रिस्पेक्ट में कंडीशन कंसीडर होगा एज ए ट्रू। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म होगा आई प्लस प्लस, बॉडी पार्ट कैसा है इसका एम्प्टी, डायरेक्टली आई प्लस प्लस, देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में जस्ट वन। अगेन फिर से सेम कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, मीन्स इंक्रीमेंट के बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, इन प्लेस ऑफ कंडीशन टेस्टिंग। कंडीशन टेस्टिंग में मैंने असाइनमेंट एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है, I का वैल्यू क्या करेंटली 1, तो S1 ऑफ 1, S2 ऑफ 1, S2 ऑफ 1 में फाउंड क्या हो रहा है कैरेक्टर Y, देन इस केस में जस्ट रिप्लेस क्या हुआ Y, Y किस प्लेस पर असाइन हुआ S1 ऑफ 1, 1 इंडेक्स में, 1 इंडेक्स में कॉपी क्या हो रहा है कैरेक्टर Y, देन नेक्स्ट टाइम कंडीशन में एक्स वन मीन्स पहले असाइनमेंट परफॉर्म होगा और असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जस्ट रिप्लेस क्या करोगे करंट वैल्यू ऑफ एस वन ऑफ आई, और एस वन ऑफ आई का करंट वैल्यू क्या वाई, वाई का आस्की वैल्यू क्या एट्टी नाइन। अगेन जीरो या नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर मीन्स फिर से रिप्रेजेंट क्या हुआ ट्रू कंडीशन ऑफ फॉल्स कंडीशन, ट्रू कंडीशन। नेक्स्ट टाइम फिर से परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, नाउ वैल्यू ऑफ आई कम्स टू। देन नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग, तो कंडीशन टेस्टिंग में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू टू है, एस वन ऑफ टू, एस टू ऑफ टू, एस टू ऑफ टू में करंटली क्या वैल्यू फाउंड हो रहा है जेड, तो नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट किसका हुआ जेड का, जेड किस प्लेस पर असाइन होगा एस वन ऑफ टू, नाउ सी रिप्लेस्ड बाई जेड। नेक्स्ट वन अगेन परफॉर्म क्या हुआ सॉरी इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ करंट वैल्यू ऑफ एस वन ऑफ टू विच इज जेड, जेड का आस्की वैल्यू रिप्लेस हुआ एज आर 90, मीन्स अगेन कंडीशन कैसा है जीरो नॉन जीरो, नॉन जीरो कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है फिर से परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 3। नेक्स्ट वन तो आई के प्लेस पर रिप्लेस क्या करें देन इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन टेस्टिंग, एस टू ऑफ थ्री इंडेक्स का वैल्यू कॉपी किस में जाएगा एस वन के थर्ड इंडेक्स में, और एस टू के थर्ड इंडेक्स में एग्जिस्टिंग कैरेक्टर क्या है नल विच इज इक्वेलेंट टू जीरो, देन एस वन ऑफ थ्री इंडेक्स में आसान क्या हो जाएगा नल कैरेक्टर, नाउ डी इज रिप्लेस्ड बाई नल, डी का रिप्लेसमेंट किससे हुआ नल से। नेक्स्ट टाइम एस वन ऑफ थ्री का वैल्यू इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा नल कैरेक्टर, और नल का इक्वेलेंट आस्क वैल्यू क्या जीरो, जीरो मीन्स कंडीशन कम्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो चुका है देन कंट्रोल इमीडिएटली कहाँ आएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, चेक कर सकते हो जैसे ही कंट्रोल लूप से बाहर आया उससे जस्ट पहले स्ट्रिंग बी के कंटेंट्स कंप्लीटली कॉपी किसमें हो चुके हैं स्ट्रिंग ए, और वी कैन से एस टू के कंटेंट्स कॉपी किसमें हो चुके हैं एस वन में, चेंजेस किसमें हुए हैं ए में या बी में, ए में, तो एड्रेस किसका रिटर्न करा हुआ ए का, ए का एड्रेस आपने 100 पास किया तो कॉलिंग प्लेस से भी रिटर्न क्या होना चाहिए सेम एड्रेस, अगर आप 102 पास कर देते रिटर्न क्या होता 102, तो जो भी एड्रेस पास किया था वो एड्रेस अवेलेबल किसके पास है एस वन के पास, इसे रिटर्न क्या करा एस वन, और एस वन में क्या करंटली 100, फाइनली कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा रिजल्ट एज 100, क्लियर इस प्लेस पर क्या आएगा 100। देन प्रिंटएफ फंक्शन का वर्किंग क्या रहेगा 100 लोकेशन से कंटेंट्स को रीड करके डिस्प्ले कराना, मीन्स इस केस में प्रिंटएफ फंक्शन स्ट्रिंग किस प्लेस से रीड करेगा फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स, कब तक रीड करेगा जब तक नल नहीं मिल जाता, तो सबसे पहले 100 में क्या फाउंड हो रहा है एक्स, इसलिए प्रिंट क्या हो एक्स, नेक्स्ट प्लेस पर फाउंड क्या हो रहा है वाई, प्रिंट क्या हो जाएगा वाई, नेक्स्ट प्लेस पर फाउंड क्या हो रहा है जेड, प्रिंट क्या हो जाएगा इसके इसमें जेड, देन जैसे ही इसके इसमें नन मिलेगा देन प्रिंट करना स्टॉप कर देगा, क्लियर। नेक्स्ट केस में टेस्ट करेंगे परसेंटेज ए, ए के कंटेंट्स, तो ए में भी कंटेंट्स क्या है ऑल्सो एक्स वाई जेड, फिर से क्या डिस्प्ले हो जाएगा एक्स वाई जेड, देन बी, बी के केस में कंटेंट्स क्या है ऑल्सो एक्स वाई जेड, तो अगेन क्या प्रिंट हुआ स्पेस एक्स वाई जेड, क्लियर। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप अदर कॉलिंग टेस्ट करना चाहते हो इसी सेम प्रोग्राम को टेस्ट करना रिगार्डिंग लाइक दैट कॉपी, देन इस प्लेस पर पास क्या करना ए प्लस वन एंड बी, ए प्लस वन मीन्स 101, बी मीन्स 200, तो इसके इसमें डेटा किस लोकेशन से रीड हुआ 200 से, और 200 का कैरेक्टर रीड होने के बाद असाइन किस में हुआ 101 लोकेशन में, प्लस एस वन ऑफ जीरो किस लोकेशन का नेम हुआ इस बार, इस लोकेशन को नेम कैसा ना हुआ एस वन ऑफ जीरो, एस वन ऑफ वन एंड सो ऑन, क्लियर। मीन्स फर्स्ट टाइम मीन्स इस केस में एक्स के लिए कोई रिप्लेसमेंट हुआ क्या नहीं, डायरेक्टली डेटा किस प्लेस से कॉपी होना स्टार्ट हुआ फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स मीन्स 101 ऑनवर्ड्स, सबसे पहले वाई का रिप्लेसमेंट हुआ देन जेड लाइक दैट, इज द बिहेवियर ऑफ स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशंस।